डिजिटल फॉरेंसिक्स या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कई बार ऐसे एविडेंस मिलते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, मेमोरी कार्ड आदि, जिनकी इमेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उस इमेज को मल्टीपल लैब्स या सॉफ्टवेयर्स की मदद से एनालिसिस किया जा सकता है एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए। इस काम के लिए कई ऑटोमेटेड टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखे भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी फ्री यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव आदि की फॉरेंसिक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकजी यूट्यूब चैनल। DD ये कमांड यूटिलिटी आपको मैक ओएस, उबंटू, लिनक्स जैसे ओएस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती है। इसके अलावा आप इसको विंडोज़ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मदद से फाइल्स की कॉपी करने के अलावा पूरी ड्राइव या पार्टीशन आदि की फॉरेंसिक इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि आप DD कमांड का यूज़ करके किसी ड्राइव की फॉरेंसिक कॉपी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिनक्स का यूज़ कर रहा हूँ। लिनक्स के अंदर ये यूटिलिटी प्री इंस्टॉल ही मिल जाती है, तो आप इसका डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम से एक 4GB की पेन ड्राइव कनेक्ट की हुई है। आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्राइव कनेक्टेड हैं और ड्राइव के अंदर जितने भी पार्टीशन बने हुए हैं, इसकी डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पर कमांड लगा दीजिए sudo apdix -l। तो यहाँ पर इसकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, मेरे सिस्टम से जो भी ड्राइव कनेक्टेड हैं उन सभी की डिटेल आ चुकी है। ये देखिए, ये एक 25GB की ड्राइव है। इसके अंदर जो भी पार्टीशन बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये मेरी पेन ड्राइव है जो कि करीब 4GB की है। आप इस डिवाइस का पाथ देख सकते हैं, कितना साइज़ है वो देख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर DF का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी ड्राइव की लिस्ट आ जाएगी। मैंने कमांड लगाया sudo df -h और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइव्स की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर दो ड्राइव कनेक्टेड हैं, एक SDA1, एक SDV1। यहाँ भी आपको इसका साइज़ मिल जाएगा, कितना यूज़ हो चुकी है वो भी आप देख सकते हैं, और ये कहाँ पर माउंटेड है इसका पाथ भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी मैं इस पेन ड्राइव की फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करूँगा DD का यूज़ करके। यदि आप DD के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, तो आप इसकी हेल्प ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसकी हेल्प ओपन हो चुकी है। ये सारे इसके ऑप्शंस हैं और कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको इसकी यहाँ पर पूरी हेल्प मिल जाएगी। आप इनका यूज़ करके अपनी ड्राइव की फॉरेंसिक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी पेन ड्राइव की फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करूँगा DD का यूज़ करके। तो पहले आप अपनी डिवाइस का नाम चेक कर लीजिए। आप इसको DF के द्वारा या FDisk के द्वारा चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे sudo DD, फिर टाइप करेंगे IF यानी कि इनपुट फाइल, और जो भी आपके ड्राइव का पाथ है वो आप यहाँ पर बराबर लगा कर टाइप कर दीजिए। तो ये पाथ मैंने ऊपर से कॉपी किया हुआ था, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे OF यानी कि आउटपुट फाइल, यानी कि आपको इसकी इमेज कहाँ पर सेव करनी है वो आप पाथ यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो मैं इस इमेज को अपने डेस्कटॉप पर ही सेव करूँगा। तो मैंने इसका पाथ सेट कर दिया है और मैंने इमेज का नाम भी दे दिया है anil.img। तो ये इमेज मेरे डेस्कटॉप पर सेव होगी। उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ब्लॉक साइज सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1K सेट कर दिया है। BS के अंदर आप क्या क्या सेट कर सकते हैं वो आप इसकी हेल्प में चेक कर सकते हैं। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 512 होती है, जिसको कि आप अपने हिसाब से सेट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर 1024 सेट किया हुआ है। इसके लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कौन से सुफिक्सेस के अंदर क्या वैल्यू सेट होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि BKB KMB आदि। तो ऐसे आप यहाँ पर ऑप्शन सेट कर पाएंगे। यदि मान लीजिए इस ड्राइव के अंदर कोई बैड सेक्टर है या इसके अंदर कोई एरर है, तो आप चाहते हैं कि एरर के बावजूद भी कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन लगाइए CONV = NO ERROR और यहाँ पर कॉमा लगाकर फ्लैग लगाइए सिंक। तो यहाँ पर एरर के बावजूद भी इमेज को बनाएगा। यदि आप यहाँ पर इसकी प्रोग्रेस भी देखना चाहते हैं कि ये कमांड कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन लगाइए status = progress। तो आपको यहाँ पर यह दिखता रहेगा कि आपकी इमेज प्रोसेसिंग कितनी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इस कमांड को रन कराऊंगा जो कि मेरी पेन ड्राइव की फॉरेंसिक इमेज क्रिएट करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये अभी USB ड्राइव की इमेज क्रिएट कर रहा है। ये इमेज मेरे डेस्कटॉप पर ही राइट हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेन ड्राइव केवल 12% ही यूज़ हुई है, यानी कि इसके अंदर 12% के अंदर ही डेटा है, बाकी पेन ड्राइव खाली है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी डेटा को कॉपी करेगा, ये पूरी पेन ड्राइव की इमेज बनाएगा। यदि पास्ट में कोई डेटा डिलीट किया हुआ है वो भी इस इमेज से रिकवर किया जा सकता है। ये इसकी हूबहू कॉपी बनेगी। जो भी इसके सेक्टर्स में डेटा मौजूद है वो सब यहाँ पर राइट होगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ड्राइव के साइज़ के ऊपर। जितना अधिक इसका साइज़ होगा यहाँ पर टाइम भी उतना ही लगेगा। तो ये करीब 4GB की ड्राइव है, तो इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
इसके बाद आप इस इमेज का एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाकर इसको अलग अलग लैब या अलग अलग सॉफ्टवेयर पर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम काफ़ी तेजी से होगा और मूल पेन ड्राइव के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, वो एविडेंस ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। तो ये फायदा होगा इसके फॉरेंसिक कॉपी बनाने का। तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, अभी मेरे पेन ड्राइव की इमेज बन चुकी है जो कि मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब ये कैसे वेरीफाई करें कि ये इमेज सही बनी है या नहीं? वैसे आप यहाँ पर इमेज का साइज देख सकते हैं, यहाँ पर साइज तो पूरा आया है, पर क्या ये एग्जैक्ट कॉपी हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर इसका चेक सम निकालेंगे। इसके लिए आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर MD5 सम का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जो मैंने इमेज क्रिएट की है, मैं इसके हैशेस को एक फाइल के अंदर स्टोर करूँगा अपने डेस्कटॉप पर ही, तो उसके लिए मैंने कमांड सेट कर दिया है। अभी इस इमेज का हैश इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, इसके बाद हम अपनी पेन ड्राइव का हैश जनरेट करेंगे। ये देखिए, ये कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, मेरे डेस्कटॉप वाली इमेज का हैश इस फाइल के अंदर स्टोर हो गया है। अभी मैं अपनी पेन ड्राइव का हैश जनरेट करूँगा, तो हम यही सेम कमांड लगाएंगे। तो जो मैंने अपनी इमेज का पाथ सेट किया था, इसकी जगह यहाँ पर मैं अपनी डिवाइस का नाम सेट करूँगा और ये हैश भी मैं इसी फाइल के अंदर स्टोर करूँगा। तो मैंने डबल ग्रेटर देन लगा दिया है ताकि यहाँ पर ये फाइल ओवरराइट ना हो, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगी। और इस कमांड को हमें सूडो के साथ रन कराना होगा, फिर ये कमांड इस ड्राइव के हैशेस को इस फाइल के अंदर स्टोर कर देगी। फिर हम उन हैशेस को मैच कराकर चेक कर पाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट कॉपी हुई है या नहीं। तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके ड्राइव के साइज़ के ऊपर, उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये कमांड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम इसके हैशेस को वेरीफाई करेंगे कि जो हमने इमेज क्रिएट की है उसके हैश मैच हो रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं इस फाइल को ओपन करके चेक कर लेता हूँ और ये देखिए, इसका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोनों ही हैशेस आ चुके हैं, पहले वाला मेरे इमेज का हैश है और दूसरा वाला पेन ड्राइव का है। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम ही है, यानी कि ये जो कॉपी बनी है ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी है। यदि यहाँ पर एक भी बाइट इधर से उधर होती तो उसका हैश चेंज हो जाता। तो ये वेरीफाई करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, यदि ये हैश मैच नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अभी आप इस इमेज को DD के द्वारा ही रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, आज की आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मेरी प्रैक्टिकली काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। और अभी इसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, तो आप इसका भी लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ पर मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नए वीडियो के अंदर। नमस्कार।